दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मैडम के बयान के बाद सवाल जरा एक बंदा कंडक्ट करवा लेगा। अलमदार भाई सबको बार बार देंगे, शोर ना कीजिएगा जरा प्लीज। और सवाल सबको मौका मिलेगा, लेकिन अलमदार सर उसको कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नादिया अजीज, एक्स एमपीए, टिकट होल्डर NA 84, सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिटी सरगोधा, अपने उहदे से इस्तीफ़ा दे रही हूँ और PTI को छोड़ रही हूँ और वक्ती तौर पे मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रही हूँ। 9 मई को जो हमारे मुल्क में वाक़यात पेश आए, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये हालात और ये वाक़यात जो हैं ये मुल्क की सियासत के लिए और मुल्क की सालमियत के लिए अच्छे नहीं हैं। और इन हालात में और इस सिनेरियो में मेरा सियासत को कंटिन्यू रखना नामुमकिन है। मैंने हमेशा बहुत साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स की है, तशद्दुद से पाक सियासत की है और इस किस्म की सियासत जो इस वक्त हो रही है, इस सिनेरियो में सियासत कंटिन्यू नहीं कर सकती और मैं वक्ती तौर पे सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करती हूँ। पाक फ़ौज हमारी हमें अपनी जान से प्यारी है और उसकी इज़्ज़त पे कोई हर्फ आए वो हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से है। हमारे शुहदा की बहुत कुर्बानियाँ हैं और हमारे शुहदा की कुर्बानियों की वजह से ही ये मुल्क जो है वो कायम है और मैं आज अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी हूँ। मैं समझती हूँ कि 9 तारीख को जो सरगोधा में वाक़यात हुए, जो शुहदा की मॉन्यूमेंट्स को के साथ सलूक हुआ और जो बाकी शहरों में ये हुआ, मैं उस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थी और आइंदा भी आप मुझे किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं पाएंगे और मैं उसकी पुरजोर तो मजम्मत करती हूँ। बहुत शुक्रिया। सवाल जी नासिर भाई। मैडम शुक्रिया, ये बताइए कि आप जैसे फरमा रही हैं पाक फौज हमें जान से ज़्यादा अजीज है, एक साल हो गया पाक फौज को लान तान की जा रही थी, एक कैंपेन का आगाज किया गया सोशल मीडिया पर बाकायदा नाम लेकर तस्वीर लगाकर जो है वो जिक्र किया जाता था बड़े बुरे अल्फाज में, तब मैडम ये मोहब्बत नहीं चाहिए? देखिए, बेसिकली मैं अगर डेफिनेटली सरगोधा से मेरा ताल्लुक है, सरगोधा शहर की मैं प्रेसिडेंट हूँ और सरगोधा शहर से ही मैं सन 2002 से सियासत करती आ रही हूँ। फर्स्ट इलेक्शन मैंने 2002 में ही विन किया था, तो बेसिकली मेरी ज़बान से कभी पाक अफवाज के बारे में कभी कोई लफ्ज़ नहीं निकला और ना ही मैंने कभी मेरी टीम के मेम्बरान के मुँह से कुछ किस्म का लफ्ज़ निकला। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे उनकी डेफिनेटली उनको सजा भी मिलनी चाहिए और उनका एहतसाब भी होना चाहिए। मैं एक तो मेरा नाम मदर इकबाल है, मैं पेरेंट रिलीज से हूँ। एक तो आप ये फरमाइए कि सरगोधा में आप वेमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं या कि डिस्ट्रिक्ट सरगोधा की ओवरऑल प्रेसिडेंट? मैं शहर बात सुन जी। दूसरा, मैं वहाँ पे खातून है, जो कोई 9 मई को हुआ वो तो सबने देखा, लेकिन इस मुल्क में शायद ये पहली दफा हो रहा है कि खवातीन को बालों से पकड़ के पुलिस वाले खींच के ले जा रहे हैं, आम लोगों के घरों में घुस के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी माओं को रेप करने की धमकी दी जा रही है और कल जेल में एक हमारी बेटी, हमारी बहन जो है उसको रेप करने की खबरें आज सोशल मीडिया पे आम है। क्या आप इन वाकयात की भी मजम्मत करेंगी? देखिए, मैं इन सब वाकयात की भी मजम्मत करती हूँ और मैं समझती हूँ कि खवातीन का एहतराम जो है वो हर जगह पे सबसे पहले वाजिब है, सबके ऊपर है और ख़वातीन का एहतराम होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। और मैं वाजे करती चलूँ कि मैंने हमेशा मैदान की सियासत की है और मैंने ये मेरा चौथा इलेक्शन था 2018 में और मैं वहाँ पे जनरल जो हमारी सिटी की बॉडी है मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। जी, हाँ,
पे की अलहदगी की वजह सिर्फ 9 मई के वाकयात में पार्टी क्यादत के मुलव्वस होने की वजह है? क्या इमरान खान मुलव्वस है तभी आप उनसे अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं? देखें, ये तो आप जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इसके बारे में मैं कोई अपनी राय नहीं देना चाहती, लेकिन कम से कम मैं अपनी सफाई ज़रूर दे सकती हूँ कि 9 मई को, चूँकि 9 मई को मेरे अपनी बेल्स थी, एंटी करप्शन के मुकदमे से मेरी अपनी बेल्स हुई थी, मेरा भाई उस दिन जेल से रहा हुआ था, तो मैं किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थी उस दिन। इंतजार है मजीद कुर्सी उस पर बैठने का। यहाँ पे जितने हमने देखा, जितने भी एमपीएस आए, एमएनएस आए, पीडीआई की लीडरशिप पर, उनका स्क्रिप्ट एक ही होता है कि मैं रिजाइन करूँ इस सियासत से वक्ती तौर पे। तो आपका क्या ख्याल है, राइटर कौन है, आपका क्या ख्याल है, वो क्या करें, क्या करें वो? देखें, सियासतदार ने सियासत नहीं करनी तो वो और क्या करें? ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं कि हम सियासत से क्विट कर जाएं, और जमात बदलना एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेरा वो ऑप्शन नहीं है और बाकी सबके सामने है। देखिए, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि जब भी ख्याल आए, ठीक ख्याल आए। मैडम, बड़ी तादाद में लोग पीटीआई से अलग हो रहे हैं, अपने उम्मीदवार भी हैं, सबका जो है वो कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं वो भी हैं, तो ये बताइए कि आपका अपने से सियासत के साथ 20 साल से सियासत कर रही है, आपका तजर्बा क्या कहता है पीटीआई का मुस्तकबल क्या? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। थैंक यू।